वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में अध्यक्षता की। बैठक में मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए। वहीं बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई। 1 मार्च से राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज खोलने की अनुमति दी गई है, जिसके लिए अभिभावकों की मंजूरी अनिवार्य होगी। वहीं कोचिंग संस्थान खोलने की भी अनुमति दी गई है। फिलहाल सभी तरह के जुलूस पर रोक जारी रहेगी। सभी कार्यालयों में 100% उपस्थिति अनिवार्य की गई थी। और इसके साथ ही बता दें कि रोस्टर प्रणाली को समाप्त किया गया है। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल। सभी ट्रेनिंग संस्थान खोलने की भी मंजूरी दी गई है। वहीं खुली जगह में अधिकतम 1000 व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। लॉकडाउन समाप्ति का या कह लें जीवन सामान्य करने का लगातार हमारा प्रयास चल रहा है और इसको लेकर कई स्तरों पर हमने बैठकें की, कई स्तरों पर कई निर्णय लिए और आज भी आपदा प्रबंधन की एक बैठक थी। उसमें कई चीजें जैसे कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्टल्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट है और बहुत तरह तरह की चीजें हैं जो मुझे लगता है विभाग से आपको उसका पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। उनको एक सशर्त खोलने का हम लोगों ने बात करेंगे राजधानी रांची की, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की। बता दें कि